अरे बच्चों, वेलकम बैक टू TMIS होम बेस्ड एजुकेशन। सो इन दिस वीडियो बच्चों हम एक्सरसाइज 14.4 करेंगे। ओके, 14.4 में बच्चों को इस तरह से बोला गया है, फाइंड एंड करेक्ट द एरर्स इन द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। तो सपोज फर्स्ट क्वेश्चन हम देखें कि फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपका, 4 (x - 5) = 4x - 5। इसका मतलब अगर मैं इसका सिंप्लीफाई करूँ तो ये मेरा आंसर आना चाहिए। तो यहां पे बच्चों एरर क्या है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि एरर जो मेरी है, एरर है मेरी 4x - 5, ये मेरी एरर है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा बच्चों, देखते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट बच्चों ये मेरा हो जाएगा 4 (x - 5) = 4x - 20। क्यों 20? 4 × x 4x, 4 × 5 = 20, बट कैसे 20 - 20। इसका मतलब ये मेरा हुआ करेक्ट स्टेटमेंट। लुक एट द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में बच्चों आपको बोला गया x (3x + 2) = आपको बोला गया 3x² + 2, बरोबर। तो यहां पे बच्चों एरर क्या है, एरर है मेरी 3x² + 2, ये मेरी एरर है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट स्टेटमेंट इसको सॉल्व करते हैं, x (3x + 2) = क्या आंसर आएगा, x (3x) = x (2) तो कितना आएगा 2x, ये मेरा हुआ करेक्ट आंसर। लुक एट द थर्ड वन। थर्ड वन बच्चों इस तरह से आपका x + 2x + 3x = 5x। तो दिख ही रहे हैं यहाँ पे बच्चों एरर क्या है बच्चों, x + 2x + 3x, टोटल 6x होता है, यहाँ तो 5x है। तो मेरी एरर क्या होगी, एंड जो मेरा करेक्ट स्टेटमेंट है, बरोबर, स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट स्टेटमेंट मेरा क्या दिया है बच्चों यहाँ पे, x + 2x + 3, तो x + 2x + 3x, तो x + 2x = 5x + 6, तो ये आपका हो जाएगा 6x। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या आएगा बच्चों आपका 6x। ओके, तो 3x + 2x। क्वेश्चन नंबर, हाँ, फोर्थ वन में आपका हो गया 6x। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन। फिफ्थ देखते हैं बच्चों, फिफ्थ में क्या बोला है आपको, फिफ्थ देखो, 5y + 2y + y - 7y = 0, बरोबर। तो यहाँ पे बरोबर आपको क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन, फिफ्थ में आपको इस तरह से दिया है कि 5y + 2y + y - 7y = 0 दिया गया है बच्चों। तो ये जो स्टेटमेंट है बरोबर, इट इज ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट मेरा क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपको 5y, इसका मैं अगर एक करूँ तो ये मेरा 0 आंसर आना चाहिए। तो 0 तो आएगा या नहीं आएगा, बिकॉज 5 + 2y + 7y + 5, तो मतलब मेरा y है लास्ट में बचेगा, बरोबर। तो करेक्ट, यहाँ पे इनकरेक्ट क्या होगा, एरर क्या है, ये 0 है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा बच्चों, डायरेक्ट लिख सकते हैं 5y + 2y, 7y + 8y - 7y = y, ये मेरा हुआ करेक्ट स्टेटमेंट। तो बच्चों 6 भी कर सकते हो आप लोग, 7 भी कर सकते हो आप लोग, ओके। और 7 भी देखो, 7 में तो बोला काम करते 6, चलो कर ही देता हूँ, 10 तक कर देते, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के देखेंगे। 6 देखो, 6 में आपको दिया गया 3x + 2x = 5x² दिया गया, ये तो मेरा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज 3x + 2x = 5x होता है, नॉट x². तो एरर यहाँ पे क्या है बच्चों, एरर मेरी क्या है यहाँ पे, 5x² है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, थ्री
थ्री एक्स प्लस टू एक्स से फाइव एक्स बराबर। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन सेवन में आपको बोला गया है टू एक्स स्क्वेयर प्लस फोर इन ब्रैकेट टू एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वेयर प्लस एट एक्स प्लस सेवन बराबर। ये तो मेरा करेक्ट स्टेटमेंट है। देखो यहाँ पे टू एक्स स्क्वेयर है तो टू एक्स को मैं एक्स लिख सकता हूँ, टू एक्स स्क्वेयर फोर टू जो एट एक्स प्लस सेवन, और सामने भी मुझे ऐसे ही दिया है बराबर। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ भाई द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके द गिवन स्टेटमेंट इज ओके फोर टू जो एट एक्स। यहाँ पे तो देखा जाए बच्चों तो ये टू एक्स का होल स्क्वेयर तो टू एक्स स्क्वेयर। ओहो यहाँ पे थोड़ा बहुत ये मेरा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। क्यों करेक्ट स्टेटमेंट नहीं होगा? बिकॉज अगर मैं टू एक्स का यहाँ पे होल स्क्वेयर है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ बच्चों तो ये मेरा फोर एक्स स्क्वेयर होगा, ना कि मेरा क्या होगा टू एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये मेरी एरर थी और ये मेरा करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा बच्चों? ये मेरा बरोबर। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ एरर मेरी क्या है बच्चों, एरर क्या मुझे सामने मिली टू एक्स स्क्वेयर प्लस एट एक्स प्लस सेवन, ये मेरी एरर है। ओके तो मेरा जो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा बच्चों, करेक्ट स्टेटमेंट मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे फोर एक्स स्क्वेयर। तो करेक्ट स्टेटमेंट फोर एक्स स्क्वेयर प्लस एट एक्स प्लस सेवन, ये मेरा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ओके सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर एट देख लो बच्चों। एक काम करता हूँ क्वेश्चन नंबर एट में, क्वेश्चन नंबर एट एंड नाइन बरोबर, क्वेश्चन नंबर एट एंड नाइन होमवर्क में करना है आपको, क्वेश्चन नंबर टेन में करवा रहा हूँ बरोबर। क्वेश्चन नंबर एट एंड नाइन होमवर्क में लुक एट द क्वेश्चन नंबर टेन। क्वेश्चन टेन में बोला गया है सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री इन द गिवन इक्वेशन। मतलब कोई इक्वेशन आपको दिया गया है, जैसे कि आपको इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स प्लस फोर। ओके उसमें आपको एक्स की वैल्यू पुट करनी है माइनस थ्री, बहुत ईजी। एक्स की जगह माइनस थ्री का स्क्वेयर प्लस फाइव, यहाँ पर माइनस थ्री प्लस फोर। अभी बच्चों माइनस थ्री का स्क्वेयर क्या होगा? माइनस नाइन, गलत। अगर माइनस थ्री इस तरह से तो माइनस थ्री दो बार निकला है, माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री, थ्री थ्री सा क्या होगा बच्चों नाइन, पर कैसा नाइन माइनस माइनस प्लस, तो आपका आंसर क्या आएगा नाइन प्लस माइनस माइनस, फाइव थ्री सा फिफ्टीन प्लस फोर, नाइन प्लस फोर कितना हो जाएगा बच्चों नाइन प्लस फोर, तो फाइव थ्री सा फिफ्टीन तो माइनस फिफ्टीन ही होगा। ओके तो आपका आंसर क्या आना चाहिए बच्चों यहाँ पे? ओके सॉरी इसमें भी बोला गया करेक्ट या इनकरेक्ट, चलो इसका हम आंसर पहले को फाइंड आउट कर लेते हैं। एन प्लस फोर, तो एन प्लस फोर आपका होगा थर्टीन माइनस फिफ्टीन, तो आंसर आपको दिया गया है, आपका आंसर आएगा माइनस टू आंसर आएगा बराबर। बट क्वेश्चन में बोला गया था कि नाइन प्लस टू प्लस फोर इक्वल फिफ्टीन, तो ये मेरा क्वेश्चन था वो क्या था, एरर क्या थी? एरर यहाँ पे एरर फिफ्टीन थी और करेक्ट क्या था माइनस टू। ओके बी देखते हैं, बी में आपको क्या बोला गया है, ये आपका ए था, लुक एट द बी। बी में आपको बोला गया कि भाई एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर, अगर मैं उसमें एक्स की वैल्यू माइनस थ्री पुट करूं तो मेरा आंसर आना चाहिए माइनस टू बराबर। तो पहले देख लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं फिर आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ पर माइनस थ्री का स्क्वेयर माइनस हो गया ऐसा, इसका नाइन माइनस माइनस प्लस फिफ्टीन प्लस फोर, नाइन प्लस फाइव थ्री फिफ्टीन, तो ये आपका हो जाएगा नाइन प्लस फोर, तो फाइव प्लस फोर नाइनटीन, नाइनटीन और एक ट्वेंटी एट, तो ये आपका हो जाएगा ट्वेंटी एट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एरर क्या थी, एरर क्या हुई बच्चों यहाँ पे, एरर मेरी माइनस टू और करेक्ट क्या था, करेक्ट क्या था बच्चों यहाँ पे, करेक्ट है यहाँ पे मेरा ये सी सी ओ डबल आर ई सी टी, हाँ बच्चों ई सी टी। ओके करेक्ट क्या था यहाँ पे 28। ओके तो क्वेश्चन 10 का बी मैंने करवाया, सी आपको करना है होमवर्क में। तो इस वीडियो में बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू 7 तक किया, 8 9 मैंने आपको होमवर्क में दिया, 10 का मैंने ए बी आपको समझाया, सी आपको होमवर्क में करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन करेंगे। टिल देन जय हिंद, धन्यवाद।